बुधवार को सुबह 7:30 बजे से भाजपा सांसद गोपाल सेट्टी मुंबई के मनपा आयुक्त प्रदेशी के साथ मलाड के सड़कों का निरीक्षण 4 किलोमीटर तक खुद साइकिल चलाकर किया। बोरीवली पश्चिम स्थित चिकुवाड़ी में पद्मावती ज्वेलर्स उद्घाटन और मनपा आयुक्त ने मौके पर ही निर्णय लेते हुए अपने अधिकारियों को रोड वाइंडिंग के अलावा उनकी मरम्मत आदि का जिम्मा सौंप दिया। मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर IAS ऑफिसर है वो और कमिश्नर है। मैंने 28 साल से मैं जनप्रतिनिधि हूँ। ये पहले कमिश्नर को मैंने देखा जो 7:30 बजे मलाड आए और साइकिल पर उन्होंने 5 किलोमीटर का प्रवास करके सब रोड वाइंडिंग का काम का जायजा लिया। मैंने भी साइकिल चलाई। मैं जब 1975 में नौकरी करता था तो बोरीवली से जोगेश्वरी तक साइकिल पर जाता था। 9 किलोमीटर था, रोज जाता था, लेकिन बहुत साल से साइकिल चलाया नहीं। फिर एक बार कमिश्नर ने आज मुझे मौका दिया तो 4.5 किलोमीटर का साइकिल भी मैंने चलाया। उसके बाद में मैं चिकुवाड़ी में आकर एक दुकान का ओपनिंग किया। वहाँ से मैं दहीसर गया, रेलवे स्टेशन पर जो एक्सलेटर लगे थे उसका उद्घाटन किया। उसके बाद में मैं यहाँ पर बोरेली में एक एक्सलेटर का उद्घाटन करके अभी वापस दफ्तर जाऊँगा और दफ्तर से फिर 8:30 बजे हाउसिंग मिनिस्टर के पास मीटिंग है, वो मीटिंग अटेंड करूँगा। ऐसा सारा दिन भर 11 बजे तक का कार्यक्रम है। सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करने का प्रयास करता हूँ। सर, यहाँ पे उद्घाटन किया एक्सलेटर का, वहाँ पे एक्सलेटर का उद्घाटन किया, बोरीवली का आपने कहा कि आपके दहीसर में बात हुई थी कि दहीसर का एंट्री पॉइंट है, दहीसर में और कितना विकास होना है? देखिए, अभी दहीसर का आज शुभारंभ किया है हमने और आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी 3 एक्सलेटर लगने वाले हैं वहाँ पर, और भी जो भी छोटी मोटी सुविधा है वो हम करेंगे। प्लेटफॉर्म को एक्सटेंशन किया, उसका भी उद्घाटन अभी हमने किया है। वैसे ही कांदिवली और मलाड में भी आने वाले दिनों में करना है। आप देखेंगे कि दिसंबर जनवरी तक और बहुत सारी सुविधा रेलवे में आपको देखने के लिए मिलेगा। बोरीवली में एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मैंने इसका उल्लेख वहाँ पर मैंने किया, क्योंकि देखिए लोगों को एकदम तुरंत बाहर निकलकर घर पे जाने की सुविधा हमने करनी चाहिए। एक जमाने में, ब्रिटिश के जमाने में, 2 एग्जिट हुआ करता था ताकि एक आए और जाए। उन दिनों में पॉपुलेशन बहुत कम था, रेलवे में सफ़र करने वाले लोग भी बहुत कम थे। अभी तो 3 गुना लोग रेलवे में सफ़र करते हैं, तो एक ही दरवाजे से निकलना ये कोई ठीक बात नहीं है। इसलिए मैंने बोरीवली में तो बहुत सारे एग्जिट किए हैं, सभी जगह पर मैं आने वाले दिनों में करूँगा इस प्रकार का प्रयास। मेरा दुख यह है कि मैं जब नगर सेवक था तो मैं ये सारा करता था अपने ढंग से। कोई जरूरी नहीं कि रेलवे का तो MP नहीं करना चाहिए। मैं तो नगर सेवक था तब से प्रारंभ किया, लेकिन आज के नगर सेवकों को लगता है रेलवे का काम करना है हमारा काम ही नहीं है। अभी बहुत सारे सोशल वर्कर लोग काम करते हैं, वो तो कोई नगर सेवक भी नहीं है, सोशल वर्कर लोग काम करते हैं। मुझे खुशी इस बात की, ये बात आता है कि सरकारी कामकाज है उसमें हम कैसे अड़ंगा डालें, ऐसा कभी रोड़ा आता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार यानी क्या? लोकशाही में सरकार यानी क्या? सरकार यानी एक व्यवस्था है। लोकशाही में राजा कौन है? जो नागरिक है वो राजा होता है। तो राजा ने तो अपने नौकर से काम करवाना चाहिए ना। आप खाली पगार ही देते जाओगे, तनख्वाह दोगे और काम नहीं कराओगे तो फिर यही प्रॉब्लम होने वाला है। साहब, एक बात आपने जिक्र किया था कि हम इसी ट्रेन से आ रहे थे तो उसमें ट्रेन काफ़ी खाली चल रही है। हाँ, मैं परसों वैसे ही बोरली में एक शिवसेना के हमारे विधायक प्रकाश सुरवे जी ने एक 40 डायलिसिस सेंटर का सेंटर खोला था। उसका उद्घाटन में आदित्य ठाकरे जी आने वाले थे, तो मैं अगर बाय रोड से आता तो मैं देरी से पहुंचने वाला था, तो मैंने फिर ट्रेन पकड़ना ठीक समझा और शाम को 5:02 की कुछ मैंने ट्रेन पकड़ी, नहीं 5:52 का मैंने ट्रेन पकड़ा। तो उस ट्रेन में मैंने देखा कि गर्दी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब पूछने पर ये पता चला कि टिकट ज़्यादा इसलिए बहुत कम लोग प्रवास करते हैं। तो मैंने सुझाव ये रेलवे को दिया है कि मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में पार्लियामेंट तक मेट्रो से जाता हूँ, तो मेट्रो में पहला 80 रुपया टिकट था तो उसको एकदम घटाकर अभी 50 रुपया कर दिया, तो गर्दी वहाँ पर बढ़ गई। तो मैंने यहाँ खाली जा रहा है उससे अच्छा है कि लोग उसको उपयोग करें। तो मेरे मन में ये ख्याल है कि जो फर्स्ट क्लास का पास जिनके पास है, फर्स्ट क्लास का किराया और एयर कंडीशन का किराया, इसका बीच में अगर हम लाते हैं तो थोड़ा लोगों को आसान हो जाएगा। और बोरीवली से चर्चगेट का मैंने सुना है कि पहले 160 था, अभी 205 रुपया कुछ हुआ है, तो ये भी अगर हम कम करते हैं तो लोग अधिक सफ़र करेंगे लोग उसमें, तो ये प्रयास मैं करूँगा कम करने का टिकट का दाम। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, जनरल जो रेलवे का जो प्रवासी है उसको बहुत दिनों सालों से हमने कोई किराया बढ़ाया नहीं है,
तो देखिए पैसे के बिगैर कोई व्यवस्था चलेगी नहीं, व्यवस्था चलेगी जैसे चलती वैसी चलेगी। आपको अगर अधिक सुविधा चाहिए, अच्छा सुविधा चाहिए, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो जनता ने भी थोड़ा अपना माइंड सेट को बनाना पड़ेगा। सरकार यानी कोई विदेश के लोग नहीं है बाबा यहाँ से पैसा कमा के लेके जाएंगे, वो तो पहले थे, अब तो सरकार हमारी देश की है। जो भी पैसा आप दोगे उनको तो वो आपके लिए खर्चा करेंगे। बीच का एक समय ऐसा भी था कि पैसा जनता देती थी लेकिन काम कुछ होता नहीं था कांग्रेस के ज़माने में, लेकिन 5 साल में मोदी जी ने लोगों का माइंड सेट चेंज कर दिया है। जितना पैसा आप देते हो पूरा का पूरा लोगों के उपयोग में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और मैं इस बात से खुशी भी हूँ, लोग दे रहे। मोदी जी ने अपील किया, गैस का सब्सिडी लोगों ने छोड़ दिया, बहुत सारे रेलवे में जो सीनियर सिटीजन जो थे जो पे करते थे उनको जो सुविधा थी वो लाखों लोगों ने छोड़ दिया। तो लोग देना चाहते हैं, लोग अगर अच्छा अगर आप काम करते हो तो लोग देना चाहते हैं। तो मैं अपील करूंगा लोगों से कि ये हमारी व्यवस्था है, इसको व्यवस्था को ठीक करने के लिए आप लोगों ने भी अपना हाथ आगे करना चाहिए। एक बात आप इस तरफ बोल रहे हैं कि एसी के किराए में थोड़ा कमी होना चाहिए, जीएसटी के किराए में थोड़ा 5-5 कम हुआ तो लोग जनसंख्या बढ़ गई, और जन सम्मान की किराए बढ़ाएंगे तो क्या इसमें? तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ना ऑफिसर, ये बहुत जल्दी मानते नहीं है, और बहुत जल्दी मानेंगे ना तो उसका भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय पे तो मानना चाहिए ना। हुआ क्या कि रिक्शा का फेयर और बीएसटी का फेयर में थोड़ा ही परिवर्तन हो गया, तो लोग विचारते क्यों लाइन में लगाना, रिक्शा में बैठो। रिक्शा का धंधा बढ़ गया तो लोग रिक्शा के लाइन में ज़्यादा गए, रिक्शा ज़्यादा आ गई शहर में। अब ज़्यादा रिक्शा आने से शहर में कंजेशन बढ़ गया। अब ये ब्यूरोक्रेट्स जो है उन्होंने ट्रैफिक कम होने के लिए अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। तो ये बीएसटी का भी रेट कम करने से सारा ट्रांसफर जो रिक्शा में जाते थे वो वापस बीएसटी में ट्रांसफर हुए। तो यही सरकार में काम करने वाले अधिकारियों ने थोड़ा जनता की सहानुभूति को विचार करते हुए कोई भी किराया तय करना चाहिए तो ये अच्छी तरीके से चलेगा। लेकिन होता है एक गलती से ही बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, इसमें से हम रास्ता निकालेंगे।